एक जमाने में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन बहुत ज्यादा पॉपुलर था, दुनिया की नंबर वन कंपनी था मोबाइल फोन प्रोसेसर्स के अंदर। लेकिन पिछले एक दो साल में कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। स्नैपड्रैगन के नए प्रोसेसर में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे दुनिया में हर दूसरी कंपनी अपना खुद का प्रोसेसर बनाने में लगी है। मतलब सैमसंग जैसी कंपनी गैलेक्सी के लिए एक्सक्लूसिव प्रोसेसर तो बना ही रही है, यहाँ तक कि ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसी कंपनीज भी खुद के प्रोसेसर यहाँ पे डेवलप कर रही है। वहीं जो क्वालकॉम का सबसे बड़ा पार्टनर था गूगल, वो अपने पिक्सल फोन में खुद का टेंसर बना के यहाँ पे डाल रहा है। और वही बात करें एप्पल की, तो बायोनिक तो थी उनकी चिप, लेकिन जहां पे पहले स्नैपड्रैगन का मोडेम ये लोग यूज करते थे, आने वाले फ्यूचर के आईफोन्स में वो चीज भी चली जाएगी जहां पे एप्पल अपना खुद का बनाया हुआ मोडेम यूज करेगी 5G के लिए। मतलब एक जमाने में जब सारी नई टेक्नोलॉजी सब कुछ यहां पे एक जमाने में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लाते थे, 5G को इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, 4G को इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, सबसे बेहतरीन प्रोसेसर्स निकाले उन्होंने, लेकिन पिछले एक दो सालों में कहानी कहां से क्या पहुंच गई है। अब तो यार वो नंबर वन भी नहीं रहे, नंबर वन चिप मेकर दुनिया में मीडियाटेक चुका है। यहां पे एग्जैक्टली क्या गलत हो रहा है स्नैपड्रैगन के साथ, इस डाउनफॉल के बारे में बात करते हैं वीडियो में। पसंद आए प्लीज लाइक कर सकते हो, 7 लाख सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं, करवा दो अगर आप जल्दी से करवा सकते हो तो। खैर सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो क्वालकॉम है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर थी एक जमाने में, मतलब अभी भी पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे एक जमाने में इसकी टेक्नोलॉजी जो थी वायरलेस सेलुलर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी थी। यानी कि एक जमाने में CDMA टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करी थी, इनके पास काफी सारे पेटेंट्स थे, और दुनिया में कोई भी कंपनी अपना एक CDMA फोन निकालना चाहती तो उसके अंदर आपको क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी। वो ने यहाँ पे मोडेम्स और अलग अलग चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करते थे, डेडिकेटेडली प्रोसेसर नहीं बनाते थे लेकिन ये चीजें थे, और एक तरह से ग्लोबल लेवल पे इनकी मोनोपोली बन गई थी। उसके बाद GSM आया जिसने इसको टेक ओवर किया, लेकिन फिर भी CDMA जिंदा था। लेकिन यहाँ पे ये रहता था कि एक तरह से इनका एक छत्र राज होता था कि यहाँ पे मोबाइल फोन इंडस्ट्री का एक मेजर मार्केट शेयर उन्होंने ले रखा है। लेकिन फिर जब 2007 के बाद से स्मार्टफोन रिवोल्यूशन आ रहा होता है, पहले आईफोन के बाद से, वो एक ऐसा समय रहता है जहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को चीज दिखती और वो क्या करते, जब पहले अपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी देते हैं, मोडेम वगैरह देते, कुछ चिप्स देते, अब एक प्रॉपर SoC डेवलप करते जिसके अंदर सिस्टम ऑन ए चिप, यानी कि CPU हो गया, मोडेम हो गया, GPU हो गया, जितनी भी चीज हो गई वो सिर्फ एक SoC के अंदर उन्होंने लगाई और उन चिप्स को बेचना शुरू करते। और वहां पर भी जितने भी मेजर मैन्युफैक्चरर थे जो एंड्रॉइड फोन बनाना चाहते थे, वो भी पावरफुल चिप लेना चाहते थे जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल हो, और क्वालकॉम उनके लिए काफी बेहतरीन चीज थी। हालांकि स्नैपड्रैगन में शुरुआत में जो S1 सीरीज के प्रोसेसर आए थे उनमें तो कोई GPU वगैरह होता भी नहीं था, S1 आया, S4 आया, इस तरीके से काफी सारे प्रोसेसर उन्होंने निकाले। और देखा जाए तो बीच में स्नैपड्रैगन 600 सीरीज उनकी तरह से एक जमाने में फ्लैगशिप सीरीज ही हुआ करती थी उनकी। ये कुछ तरीकों से यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी, और उस जमाने भी कुछ इसी तरीके की कंडीशन उन्होंने रखी थी। यानी कि अगर आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम सिर्फ आपको 5G मोडेम नहीं देंगे, हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेसर ला कर देंगे, और कंपनी को जानबूझकर उनका प्रोसेसर यहाँ पे यूज करना पड़ता था। वो यहाँ पे अपना खुद की चीज डेवलप नहीं कर सकती थी क्योंकि मोडेम के लोग रिलाई कर रहे थे, वो रिलाई कर रहे थे क्वालकॉम के ऊपर, क्योंकि उस जमाने में क्वालकॉम के पास काफी सारे पेटेंट्स थे। जिसकी बात करें 4G से रिलेटेड पेटेंट्स हो गए, 5G से रिलेटेड पेटेंट्स हो गए, ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी के जो हथियार थे क्वालकॉम के पास थे, और इन सब का जो फायदा वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इधर उठा रहा था। हालांकि बात किया तो कहानी में ट्विस्ट अब धीरे धीरे आना शुरू होता है। शुरू में देखो ऐसा रहता है कि क्वालकॉम के प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कंपनी को जानबूझ के अगर उनके अपने महंगे फ्लैगशिप फोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं, उससे अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं, तो कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम आना यहाँ पे तब शुरू होती है जब यहाँ पे रूल्स रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। अगर मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते किसी भी कंपनी के साथ काम करने से पहले कि उन्हें सिर्फ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की चिप्स यूज करनी पड़ेंगी, और अगर वो किसी दूसरी कंपनी की चिप यहाँ यूज करते तो उन्हें क्वालकॉम की चिप लेने के लिए यहाँ पे ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। इस तरीके की हरकतें लोग करते हैं ताकि मार्केट में इनकी मोनोपोली बनी रहे, और सामने वाले दूसरी कंपनी कोई अच्छा काम कर रही है ना उसे यहाँ पे डिस्करेज करे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम काफी सारी मोबाइल फोन कंपनी से रहती है कि किसी को कोई ऐसी फालतू चीज में पढ़ना नहीं है और आंख बंद करके क्वालकॉम के प्रोसेसर लेती है। हालांकि ये सब के चक्कर के अंदर ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों USA के अंदर सैमसंग स्नैपड्रैगन के साथ अपने फोन को निकालती, एक्सनोस के साथ वो वहां नहीं निकालती। एक पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे जो काफी सारी रॉयल्टीज पे करनी पड़ेंगी अगर वो एक्सनोस चिप डालेंगे, और अगर वो डायरेक्टली स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उठा के सीधे US में ले जाएंगे तो वो इन सब का काफी ज्यादा पैसा
बचा सकते हैं। और इन सब की मजबूरी के चक्कर में वो वहाँ एक्सिनोस नहीं ले जाते, वहाँ स्नैपड्रैगन उधर ले जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि अब धीरे धीरे ये कंपनियां जितनी भी सब परेशान होने लगती है और अपने खुद की टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। जैसे की बात करें, मीडियाटेक अपने खुद के 5G मॉडेम्स को बना रही है, यहाँ पे हुआवे ने अपने खुद के 5G मॉडेम्स को बनाया, सैमसंग ने अपने एक्सिनोस के अंदर 5G मॉडेम को बनाया जो अभी गूगल पिक्सल के अंदर भी यूज किया जाता है, इंटेल जैसी कंपनी भी 5G मॉडेम बिजनेस में उतर गई और इंटेल इस पर्टिकुलर डिवीजन को एप्पल ने खरीद लिया। अब वो एप्पल के लिए यहाँ पे मॉडेम्स वगैरह बना रहे हैं जो फ्यूचर के आईफोन्स में मिलेंगे। यानी कि सब कंपनी धीरे धीरे परेशान, जो सब अपने अपने तरीके से हैंडल कर रही थी। हालांकि कंज्यूमर साइड के अंदर बात करें तो कहानी काफी अलग थी। कंज्यूमर साइड में इंडिया में जब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अच्छे वाले आने शुरू हो गए थे तो यहाँ पे लोग जो थे वो उन्हें पसंद आ रहे थे और लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन बात ये थी कि वो एक्सपेंसिव साइड में, लेकिन जैसे ही शाओमी जैसी कंपनी आती है, रेडमी 1S में स्नैपड्रैगन 400 आता है या स्नैपड्रैगन 800 आता है, MI 3 में या OnePlus 1 में स्नैपड्रैगन 801 आता है, ये चीज ने इतनी ज्यादा पसंद आती है कि सही रेट में अगर सही प्रोसेस सही फोन में देखने को मिल रहा है तो कितनी मजेदार चीज है। क्योंकि उस जमाने में Qualcomm स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर होते थे वाकई में बहुत ही बढ़िया, MediaTek कहीं नहीं टिकता था, UniASUSi का तो दूर दूर तक नाम नहीं था, Qualcomm स्नैपड्रैगन ही था और Qualcomm स्नैपड्रैगन के नाम पे फोन बिकता था, ये चीज थी। और इस चीज का फायदा यहाँ पे उन्होंने Qualcomm ने ऐसा उठाया कि अपने प्रोसेसर को ज्यादा एफिशिएंट बनाया, बैटरी के हिसाब से परफॉर्मेंस भी ज्यादा निकाली, ISP पे काम किया ताकि कैमरा हो Qualcomm स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के अंदर तो बेटर इमेजेस के आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल सके। इसके साथ ही बेटर सेलुलर कनेक्टिविटी, 3G था तो 3G कनेक्टिविटी, 4G है तो बेटर 4G की कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करी। शुरुआत से ही VoLTE वाली चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करने लग गए, यहाँ तक कि AI वाले टास्क के लिए भी स्पेशल चीजें प्रोवाइड करने लग गए। हाई मेगापिक्सल काउंट जैसे ही आने वाला था तो अपने प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी हाई मेगापिक्सल का जो सपोर्ट होता है कैमरे का उसका फीचर उन्होंने डाल दिया, मल्टीपल कैमरे का सपोर्ट डाल दिया। यानी कंपनी जिन जिन फीचर्स पे काम कर रही थी वो सारे फीचर्स वो अपने अंदर डालते चले गए। लेकिन वहां से लेके अभी तक यहाँ पे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है? देखो कहानी में ट्विस्ट आता है कि Qualcomm स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर शुरुआत में अच्छे थे लेकिन बीच में अभी एक ऐसा समय आ चुका है जब उतने अच्छे रह नहीं गए। पहली प्रॉब्लम Qualcomm स्नैपड्रैगन के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी ये कि यहाँ पे उनकी प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888+ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे और इसकी झलक स्नैपड्रैगन 865 के साथ थी कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 वैसे जबरदस्ती 5G मॉडेम को चिपका के कीमत ज्यादा ली जा रही है और मोबाइल फोन कंपनीज को उसके बाद से अपने फोन की कीमत यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ गई और यही सेम कहानी अभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 तक चल रही है। इसके साथ अगली दिक्कत ये थी कि जहाँ पहले एफिशिएंसी होती थी प्रोसेसर्स में वो चीज यहाँ गायब हो चुके हैं और पिछले 2 सालों में उनके मेजोरिटी प्रोसेसर में हीटिंग देखने को मिली उनके फ्लैगशिप लाइनअप में 888+ 8 Gen 1 हर कोई यहाँ पे हीटिंग का एक शिकार बन चुका है और ये Qualcomm को एक बात पता है और अंदर की रास की बात यहाँ पे है कि Qualcomm आगे निकलना चाहती है बेंचमार्क में एप्पल से, इसलिए कुछ प्रोसेसर में स्पीड वगैरह इस टाइप की चीजें करते हैं जिससे थोड़ी परफॉर्मेंस ज्यादा मिले बेंचमार्किंग वगैरह में। लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि यहाँ पे हीटिंग बहुत हो रही है। CPU की रीजन है, GPU की रीजन है, मल्टीपल फैक्टर्स है लेकिन हाँ हीटिंग एक कोर रीजन है जिसके कारण Qualcomm के प्रोसेसर को यहाँ पे थोड़ा सा बैकलैश देखने को मिल रहा है। मतलब खुद देखो, प्रोसेसर भी अब इतना अच्छा नहीं रहा, हीटिंग भी जबरदस्त हो रही है और कीमतें भी ज्यादा हो रही है, ये एक चीज है। इवन Qualcomm के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम इधर ये भी है कि उनके जो सस्ते अफोर्डेबल प्रोसेसर वो ज्यादा अवेलेबल है नहीं मार्केट में। अगर आप देखेंगे कुछ उनके अच्छे प्रोसेसर 778G मिलते हैं मार्केट में जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है लेकिन उसके कॉम्पिटिशन में जब MediaTek Dimensity 1200 आता है तो 778G से हल्का सा बेटर प्रोसेसर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे Qualcomm को भी सोचना चाहिए कि अगर उनसे बेटर प्रोसेसर MediaTek निकाल रही है तो 778G को फिर ऐसे रेट में निकालो जिस रेट में काफी अच्छी वैल्यू थे, लेकिन यहाँ पे इस टाइप की चीजें नहीं हो रही हैं। इवन बात करें तो पिछले कुछ समय में एक ऐसा भी चेंज आया है यहाँ पे Qualcomm के साथ कि यहाँ पे प्रोसेसर तो ये लोग दे देते लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज इनेबल करनी है उसके लिए वो अलग से पैसे चार्ज करते। मतलब आप खुद देखो Qualcomm के प्रोसेसर में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, इतने सारे फीचर जो तो अनयूज भी रह जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक फीचर को इनेबल करने के लिए रॉयल्टी लगती है। एक एग्जांपल दूं, हर 5G बैंड को इनेबल करने के लिए Qualcomm यहाँ पे पैसा मांगती है, इसलिए अगर आप देखोगे तो स्नैपड्रैगन वाले फोन में 5G बैंड थोड़े कम मिले लेकिन MediaTek वाले में आपको बराबर 5G बैंड देखने को मिलेंगे क्योंकि MediaTek में 5G बैंड इनेबल करना एक आसान चीज है उनके लिए, Qualcomm में 5G बैंड इनेबल करना इतनी आसान नहीं है। और भी बहुत सारे फीचर है, इवन Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी सालों से स्नैपड्रैगन फोन के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन रॉयल्टी पे करनी पड़ती है स्नैपड्रैगन को और Dolby को, इसलिए वो फीचर इनेबल नहीं हो पा रहा। इस तरीके की काफी सारी चीजें क्योंकि कंपनियां क्या चाहती है कि सस्ते सस्ते में अच्छा फोन बना ले
है, जब मेजोरिटी पार्ट अगर प्रोसेसर और उसके फीचर्स को अनलॉक करने में जा रहा है, तो एक अच्छा फोन यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको कैसे दे पाएंगे? मतलब लोगों को एक अच्छा फोन में चाहिए, सही रेट में चाहिए, और सारा पैसा अगर क्वालकॉम ले जाएगा तो कंपनी को क्या? ये चीज यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी सारी कंपनीज मीडियाटेक के पास गई। अभी के सब मीडियाटेक के प्रोसेसर अच्छा काम कर रहे हैं, डिमेंसिटी 8100 में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, 9000 के अंदर रिपोर्ट आ रही है कि वो हीटिंग वगैरह कर रहा है, लेकिन एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके ऊपर लोग यहाँ पे जाना पसंद करेंगे। डिमेंसिटी 1000, 1200 जैसे प्रोसेसर हो गए, 900 हो गया कितना पॉपुलर है, डिमेंसिटी 920, डिमेंसिटी 700 जो कि बजट में आपको एक 5G का मजा लेकर आ गया। इस तरीके के काफी अच्छे प्रोसेसर मीडियाटेक ने लाइन से यहाँ पे निकाले हैं, और इवन बजट लाइनअप में भी निकाले जहाँ पे जो क्वालकॉम है फोकस नहीं करे, क्वालकॉम हमेशा महंगे प्रोसेसर बनाने पे फोकस कर रही है, और इसलिए मीडियाटेक यहाँ पे बाजी मार गया। इसके साथ ही बात करें तो बाकी सारी कंपनीज जो इतना ज्यादा पैसा नहीं डाल सकती 5G मॉडेम वगैरह में, क्वालकॉम को नहीं दे सकती, इसलिए अपनी खुद के 5G मॉडेम्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि सैमसंग ने एक्सिनोस को डेवलप किया है, मीडियाटेक ने अपने खुद के मॉडेम्स को डेवलप किया है, और इवन बात करें तो एप्पल को भी मत मालूम है, और एप्पल भी काफी सारा पैसा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन को यहाँ पे दे रहा है, और इसीलिए वो अपने खुद के मॉडेम पे काम कर रहा है ताकि फ्यूचर में उन्हें क्वालकॉम के ऊपर रिलाय ना करना पड़े। यस, ये भी एक चीज है। इसके साथ ये भी है कि हर दूसरी कंपनी अपने खुद के प्रोसेसर बनाने पे काम कर रही है, यानी कि क्वालकॉम के लिए मार्केट बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया, इसलिए शायद ये काफी जगह अलग अलग हाथ पैर मार रहे हैं। जैसे की बात करें लैपटॉप्स के लिए लोग थोड़े अलग टाइप के प्रोसेसर बना रहे, AR VR के जो हेडसेट्स आते हैं इनके लिए भी अलग प्रोसेसर्स यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, वो चीजें चल सकती हैं। इवन अगर हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनके अंदर भी लोग अपने प्रोसेसर ये लोग डेवलप कर रहे हैं और अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो मोबाइल फोन तक ये लोग लिमिटेड नहीं रहे, हर जगह ये लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पहले एक जमाने में लीडर हुआ करते थे, वो लीडरशिप यहाँ पे गायब हो चुकी है। ये एक कहानी है कि मतलब कि एक तरह से हम इसको कह सकते हैं डाउनफॉल ऑफ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। आप लोग मेरी बात से क्या एग्री करते हो कि क्वालकॉम सही काम कर रही है यहाँ पे, या फिर उन्हें दोबारा से वैसे काम करना चाहिए कि अच्छा प्रोसेसर सही रेट में लेके आओ ताकि लोगों को भी सस्ते में मिले और कंपनियों को भी ये नहीं लगे कि इसके लिए हम ओवर प्राइस पे कर रहे हैं? और यही एक वन ऑफ द मेन रीजन कि आज के समय में फ्लैगशिप फोन की कीमत इतनी ज्यादा क्यों जा रही है, क्योंकि एक मेजर पार्ट यहाँ पे क्वालकॉम की तरफ जाता है और क्वालकॉम उस मेजर पार्ट को छोड़ना नहीं चाहती। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, 7 Gen 1, 8 Gen 1 Plus, इन सब की कहानी क्या रहती है, सब कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज लाइक किया करो, सपोर्ट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल रंग का बटन को दबा के ग्रे कर दो और घंटी भी बजा दो। आने वाले फ्यूचर में आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलने वाले। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप समझो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।